पठारी नगर में प्रसिद्ध पठारी वाले हनुमान मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक रेखा रामायणी ने भक्तों को कथा का श्रवण कराते हुए कहा कि इस तरह तो महाभारत का युद्ध हुआ और फिर किस तरह से परीक्षित ने प्राणों की रक्षा की और अंत में पांडव परीक्षित जी का राज तिलक करके हिमालय पर्वत चले गए। साध्वी रेखा रामायणी ने कहा कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, परोपकार ही मनुष्य का प्रथम धर्म है, दूसरों का आहत करने से बड़ा कोई पाप नहीं और मनुष्य परमार्थ में अपना जीवन व्यतीत करता है वह स्वतः ही भगवान के समीप रहता है। कथा में साध्वी जी ने कहा कि कर्म ऐसे ही करें कि भाव सागर को पार कर सके, परमात्मा की कृपा के बिना संसार के कुछ भी संभव नहीं। विदिशा पठारी से आशीष सेले के साथ नेत्रराम साहू की रिपोर्ट। जब भी किसी भी मनुष्य की मृत्यु का समय नजदीक होता है तो उस समय सबसे पहला असर उसकी आंखों पर जाता है। उसकी आंखें अलग ढंग की हो जाती है और आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, लेकिन क्यों? हर मनुष्य ने अपने जीवन में जितने भी अच्छे या बुरे कर्म किए, प्राण वायु को खींचने से पहले वो सारे कर्म दिखाए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।